हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं शशिकांत गाजीपुरिया आज आया हूँ चीसबरा गांव पोखरा। देख सकते हैं आपके सामने हम लोग तीन व्यक्ति आए हैं। ये मेरे फ्रेंड है, देख सकते हैं बैठा है। और हम गए थे लंबे टूर पर बलिया बलिया गए थे। हम लोगों ने लिया एक बॉक्स जो 1399 रुपये का पड़ा और आ गए पोखरा हम लोग। और यहाँ मछलियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं गाइच, इतनी ज़्यादा मछलियाँ होती हैं। बरैया पोखरा बोला जाता है चितबड़ा गांव का, ये बरैया पोखरा है। इतनी मछलियाँ होती हैं कि आप देख नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। इसमें एक बड़ी मछली होती है जो इनका राजा, यानी रानी या राजा, कुछ भी मानिए आप गाइज। देख सकते हैं, आपको एक एक बारे में मछली को एक एक चीज़ दिखाऊँगा, कैसे छोटी सी बड़ी मछलियाँ होती हैं। हम लोग खरीदे हैं, लाई और फेंकेंगे उसमें और डालेंगे और मछलियाँ बुलाएंगे अपने पास। देखते हैं गाइज, ये इतनी छोटी मछलियाँ हैं, इसको गरई बोला जाता है। ये रहा आपका बरैया पोखरा, देख सकते हैं गाइस, बरैया पोखरा है ये चितबड़ा गांव का, जो बलिया मार्ग में पड़ता है। ये मेरा बैठा है फ्रेंड, देख सकते हैं चितबड़ा गांव का। आइए और आप लोगों को बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइज कैसे मछलियाँ आ रही हैं, बड़ी बड़ी देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आ रही हैं गाइज। ये देख लीजिए, देख लीजिए गाइज, इसमें इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, आप उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे फ्रेंड ने लाई फेंका और उसके बाद मछलियाँ आ रही हैं और खा रही हैं लाई को गाइज, देख सकते हैं। इसमें एक कछुआ भी रहता है गाइज, अभी फ़िलहाल आ नहीं रहा है वो कछुआ, आप मछलियाँ तब तक देखिए। मारम ना एक के फट में लगवा लहू खे, देख सकते हैं गाइस कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं बरैया पोखरा चितबड़ा गांव। देखिए गाइस, तो गाइस देख सकते हैं मछलियां कितनी ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं। इसी को बरैया पोखरा कहते हैं चितबड़ा। देख सकते हैं हमने आपको मछलियां दिखाई और ये है डस्टबिन, देख सकते हैं गाइस ये है डस्टबिन। इसमें जितने भी लाइक खरीदते हैं, चाहे बिस्कुट वगैरह खरीदते हैं, तो इसमें डाला जाता है, क्योंकि इसमें गाइज कचरा हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा, इसलिए इसमें डाला जाता है। मेरे फ्रेंड ने डाल दिया है और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज देख सकते हैं बरैया पोखरा से हम ऊपर चढ़ गए हैं और ये रहा बरैया पोखरा, जो आप लोगों को मैंने मछलियाँ दिखाया। और हम आगे की तरफ अपने घर की तरफ चल रहे हैं। ये है मेरा फ्रेंड जो माई चौध के हम छोड़ा, हम संतोष पागल नाय लेके खड़ा है, देख सकते हैं। ये रही मेरी बाइक और इसका नाम है धानो। हम लोग इस पर बैठ के गाइज जब चले जाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, बाय गाइज।